नमस्कार साथियों साथियों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रावण का महीना चल रहा है और ऐसे में क्या खाना चाहिए आज इस बारे में बताएंगे और क्या नहीं खाना चाहिए इस बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जो सावन में व्रत रखते हैं उनको भूल कर भी जो चीज़ें बताने जा रहे हैं बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो भगवान शिव की कृपा भी नहीं प्राप्त होती, साथ ही साथ जो है समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उपवास करना भी आपका व्यर्थ हो जाता है इन वस्तुओं का या इन चीज़ों का आप सेवन करते हैं, विशेषकर जिन लोग जो लोग श्रावण का व्रत रखते हैं। सावन का उपवास करते समय क्या क्या नहीं खाना चाहिए आज इस वीडियो में बताएंगे और क्या खाना चाहिए यह भी बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, श्रावण के माह में शिव के भोज पदार्थों को ही सेवन करना चाहिए। जो भगवान शंकर को पसंद हैं, उनको प्रिय हैं, उन भोज्य पदार्थों को सेवन करना चाहिए। क्या नहीं सेवन करना चाहिए तो ध्यान रखें, जिन लोगों का उपवास है उन लोगों को श्रावण के महीने में बैंगन, मूली, कटहल इसकी सब्जी नहीं खानी चाहिए, दोष लगता। कच्चा दूध भी नहीं पीना चाहिए उपवास में। जो लोग कच्चा दूध का सेवन करते हैं उनके लिए हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर दूध पीना है तो गर्म कर या उबाल कर पी सकते हैं, लेकिन कच्चा दूध सेवन नहीं करना है। सुपारी नहीं खानी है, बहुत से लोगों को देखा सुपारी खाने लगते हैं, सुपारी का भी सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना है। हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ आता है, पत्तेदार गोभी की सब्जी नहीं खानी चाहिए। तंबाकू शराब का तो सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना क्या चाहिए? सिंघाड़े और कूटू के आटे की बनी हुई पदार्थ, पूरी, सेंधे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर फलाहार रहना चाहिए, लेकिन इन पदार्थों को और इन जो मना किया है इन चीज़ों को श्रावण के माह में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो उपवास करते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं खाना है, और आप उपवास नहीं भी करते हैं तो भी अगर इन चीज़ों को छोड़ दें जो इस वीडियो में बताई है तो आपको श्रावण में शिव पूजन का फल प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।